वहीं विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जल्द ही अनावरण होने जा रहा है। पीएम मोदी गुजरात में 31 अक्टूबर को इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध के नजदीक स्थापित होने वाली इस प्रतिमा का 85% से ज्यादा हिस्सा इंस्टॉल किया जा चुका है और अब सिर इंस्टॉल किया जा रहा है। इस प्रतिमा को देश दुनिया में शिल्प कला की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रतिमा के शिल्पकार कौन है? ये है रामवीर सुतार। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पद्मभूषण से सम्मानित 92 वर्षीय शिल्पकार रामवीर तुषार की कल्पना है और उन्होंने ही इस प्रतिमा को डिजाइन भी किया है। इससे पहले भी वो सैकड़ों प्रतिमाएं बना चुके हैं, जिसमें संसद भवन परिसर में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा भी शामिल है। मूर्तिकार रामवीर सुरात को अपनी कला के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही कला संस्कृति विभाग की तरफ से उन्हें 1 करोड़ रुपए के पुरस्कार राशि से नवाजा गया है। नोएडा के सेक्टर 19 में स्थित राम तुषार के आवास पर केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने उन्हें 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि का चेक भेंट किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये बात कह सकता हूँ कि कोई एक लेडी खड़ी है, उसके साथ बच्चा खड़ा है, तो कोई आता है जेंटलमैन नज़दीक आता है, बच्चे को जरा हाथ घुमाता है, बहुत बहुत अच्छा लड़का, तो माँ को बहुत खुशी होती है। वही चीज़ हमारी है। आप हमारे काम के बारे में अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत खुशी हो रही। बताती हूँ कि डैडी कह रहे हैं कि जो मूर्ति जो बनी है, डैडी एक माँ रूप है और वो मूर्तियाँ बना रहे हैं बच्चे को, जैसे जन्म देते हैं वैसे, और वो बच्चे जब अच्छे निकलते हैं तो उसका जो फल ये सब लोग दूसरे लोग जो अप्रिशिएट करते हैं, जो खुशी माँ को मिलती है वैसी खुशी डैडी को मिल रही है आज। वी आर सो ब्लेस्ड कि पहली बात तो आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं इस फैमिली में बॉर्न हुई। ये मेरा बहुत ही मतलब इट्स स्पीचलेस, आई फील सो स्पीचलेस। इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है, ये हम सबके लिए इतना बड़ा सम्मान है, एंड वी आर सो थैंकफुल। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।